हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। मेरे प्रियजनों, हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों। ठीक है मेरे प्रियजनों, हम सभी को पता ही होगा कि अंत का समय चल रहा है, अंत की घड़ी आ पहुंची है मेरे प्रियजनों। ठीक है, आप देख सकते हैं मणिपुर में कितना सताव हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खातिर मेरे प्रियजनों। ये बातें यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, मत्ती की पुस्तक में, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे वैर करेंगे, यहाँ तक तुम्हें मारेंगे, यहाँ तक कि तुम्हें जान से भी मार देंगे, गांव से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, सिर्फ मेरे खातिर मेरे प्रियजनों। और यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बहुत ही पावरफुल वचन बोला है, बात कही है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का विश्वास मजबूत होगा, जो अंत तक विश्वास करे रहेगा उसी का उद्धार होगा मेरे प्रियजनों। जब तक हम सभी के शरीर में श्वास है, जीवन है, तब तक हम सभी को पूरे मन से, पूरे हृदय से यीशु मसीह पे विश्वास करना है मेरे प्रियजनों। ठीक है, बाइबल बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार न्याय करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियजनों। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है, मनुष्य के कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा, उसका बदला प्रतिफल न्याय परमेश्वर उसके कामों के अनुसार करेगा मेरे प्रियजनों। पर बिना पक्षपात करना परमेश्वर है, किसी का पक्ष नहीं लेता है हमारा परमेश्वर, वह न्यायी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, ना तो तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जिस दिन मैं आऊँगा, जिस दिन मेरा आना होगा, उस समय के विषय में, उस सन के विषय में, उस घड़ी के विषय में यीशु मसीह ने किसी को नहीं बताया है। वह घड़ी किसी को नहीं पता होती है। यीशु मसीह ने अपने वचन में, अपने कलाम में कहा है, जब रात को चोर आता है चोरी करने के लिए, तब कोई नहीं जानता है, वैसे ही मेरा दिन आने वाला है, वैसे ही मैं चोर के नहीं आ पड़ूंगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वह दास जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे मेरे प्रियजनों। हम सभी को चौकस रहना है, जागते रहना है, तैयार रहना है, पापों में, गलतियों में, गुनाहों में हमें नहीं जाना है, हमें नहीं मिलना है। ठीक है, संसार कुछ भी करता है, हम सभी को संसार को देख देख कर हम सभी को वैसा जीवन नहीं बताना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी को चुना है, हम सभी को संसार से चुना है, उसने हम सभी के लिए लहू बहाया है, उसने हम सभी के लिए कोड़े खाए हैं, मार खाई है मेरे प्रियजनों। इसलिए हम सभी को एक दूसरे को देख देख कर जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है कि वो वैसे कपड़े पहना, हॉलीवुड बॉलीवुड की तरह हम सभी को जीने की आवश्यकताएँ नहीं है। यीशु मसीह ने हम सभी से प्रेम किया है, उसने कोड़े खाए हैं मेरे प्रिय। हम सभी से जो भी पाप गलती गुनाह होता है, तो हम सभी को यीशु मसीह से बोलना है, यीशु मसीह से बताना है, यीशु मसीह हम सभी के पापों को क्षमा करेगा मेरे प्रिय। ठीक है, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।